सो हे गेमर्स, वेलकम बैक। तो भाई फाइनली लेके आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का। तो भाई साहब, पिछले वाले वीडियो में तो आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखा दिया है, और आज के इस वाले वीडियो में मैं एक परशूट करने वाला हूँ जो कि होगा हंटर टेरर बर्ड। ये देखो, इसको करते हैं स्टार्ट। इसका रिवॉर्ड अपने को मिलेगा एक असेंडेंट स्वॉर्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज का होने वाला है। तो फटाफट से मैं अपने पीटी पे बैठ के चलता हूँ रेडवुड, वहीं पे अपने को टेरर बर्ड मिलेंगे। अपने को सिंपली 3 किल करने होंगे टेरर बर्ड को। और भाई चलो देखते हैं अपने को कितना ज़्यादा हाई डैमेज का मिलने वाला है। और यहाँ पे बता रहा है ना, क्राफ्ट ए मेटल स्वॉर्ड। तो एक सेकेंड, यहाँ पर मेरे को कुछ दिखा है। भाई भाई भाई, इतना तेजी टैपेजी रख भाग रहा है यार। भाई कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, मेरे को बस लेवल चेक करना है कितने का है। ओके 135। भाई कितना स्पीड में गया है वो। चलो जाने दो, अपन अपना परशूट करते हैं। तो यहाँ पे तो भाई हम रेडवुड में चलते हैं और चेक करते हैं कितना अपने को हाई डैमेज वाला मिलने वाला है स्क्वाड। तो लेट्स गो गाइस, देखते हैं। मेरे को पुराने वर्ल्ड में 657 का डैमेज का अपने को मिल चुका है, लेकिन इसमें देखते हैं कितना डैमेज का मिलेगा। तो भाई यहाँ पे फाइनली मैं रेडवुड में आ चुका हूँ और कुछ टेरर बर्ड दिख चुके हैं। तो अपने को 3 किल करने होंगे। सबसे पहले आप 2 किल करना, ठीक है ना, मेरी बात मानो। तो 2 किल करना टेरर बर्ड, लास्ट वाला गलती से भी मत करना। और अरे भाई वाह, अटैक दिया था उसने, धक्का दे के भगा दिया। ये देखो, मैंने अभी 2 किल कर दिए, 2 टेरर बर्ड किए किल। अब मैं सिंपली आऊँगा किसी सेफ एरिया में, क्योंकि रेडवुड है तो सेफ तो ये नीचे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अपने को किसी पहाड़ पे ही रहना पड़ेगा, ऐसा माउंटेन। तो यहाँ पे अपने को सिंपली यहाँ पे सेव करना होगा अपने डाटा को, जैसे हमने बो को किया था ना, बो लेते टाइम उसी टाइप से। सबसे पहले आपको मैनुअल सेव करना पड़ेगा, ऐसे ही लीव आर्क करके। आपको थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, लेने देते हैं। तो चलो लोडिंग हो गया ख़त्म। यहाँ पर प्ले आर्क पर दबा के यहाँ पे आप किसी भी स्लॉट में लोकल बैकअप पे सेव करना। सेव के अलावा और कुछ मत दबाना भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सेव करना चाहिए। आप 1, 2, 3 किसी में भी करो लोकल बैकअप, तो सिर्फ आप सेव करना। तो चलो यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके गेम आ चुका है अपना, और यहाँ पे अब अपने को लास्ट वाला टेरर बर्ड किल करना होगा, मतलब जो रिवॉर्ड मिलेगा जिसको किल करने पर उसको। तो ढूँढता हूँ मैं मैप में, तो अभी शो नहीं हो रहा। ओके पास में ही अपने पीछे थोड़ा सा। चलो यार चलते हैं, बस लास्ट ही तो मारना है। और अब देखेंगे यार ये फंस क्यों जाता है भाई। ओके नीचे ही है, और अब चेक करते हैं अपने को कितना डैमेज का मिलने वाला है स्वॉर्ड। चलो रोल अटैक देते हैं फटाफट से, इसका काम तमाम करते हैं फटाफट से। एंड 2 अटैक और लगेंगे रोल का, तो ये ख़त्म हो जाएगा। एक लग चुका है आई थिंक, मेरे ख्याल से एक और चाहिए। ओके अब देखते हैं अपने को कितना डैमेज का मिलने वाला है। भाई 600 से तो मैं कम लूँगा नहीं, रिवॉर्ड आ चुका है, चेक करते हैं भाई। 284 यार, मेरे को वही सेव रिस्टोर वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद मैंने सेव रिस्टोर वाला प्रोसेस कर करके एक हाई डैमेज का स्वॉर्ड मैंने निकाल लिया है। ये देखो गाइस, 638 डैमेज का, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ड्यूरेबिलिटी काफ़ी मस्त है, 675 का है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डैमेज का स्वॉर्ड मिलता है तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी तो देखूँ कि कितना ज़्यादा डैमेज का आपको मिला है। मेरे को हाईएस्ट अभी, मतलब जब से मैं खेल रहा हूँ, 657 का मिल चुका है हाईएस्ट ब्रूटल में। तो हाईएस्ट कितना होता है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, मैक्स। तो जिसको भी मिले और जिसको पता है कमेंट में बताना। और अब चलते हैं अपने बेस के तरफ, अपना काम हो चुका है, बेस की तरफ चलते हैं और इस स्वॉर्ड को टेस्ट करते हैं कितना डैमेज देता है और कितना ये पावरफुल है। तो चलो गाइस चलते हैं फटाफट से बेस पे। ऑल राइट गाइस, मैं अपने बेस पे आ चुका हूँ, एंड अब टेस्ट करते हैं अपना ये स्वॉर्ड, देखते कितना डैमेज देता है। कोई डायनो मिल जाए छोटा मोटा सा तो भाई डोडो। 104 ओके, एक ही अटैक में ख़त्म हो गया। इतना तो पता है कि ये
104 हेल्थ तो डैमेज दे देगा। यहाँ पे पीटी है 798। ओ भाई ऑलमोस्ट ये 700 का डैमेज दे रही है भाई, 750 हेल्थ खा रही है, मतलब 750 हेल्थ। और भाई तुम डोडो के पीछे क्यों पड़े हो यार, चलो इसको तो मैंने मार दिया डीलो को, मतलब 750 हेल्थ तो ऐसे ही निकाल रहा है, ये काट रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त है। तो भाई साहब अपने को स्वॉर्ड मिल चुका है ओपी सा, और अगले वीडियो में तो हम कोई केव ऐसा कुछ करने वाले हैं, कुछ वेपन देखते हैं यार जो हम कर सकते हैं। तो चलो गाइस बस आज की वाली वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मैं मिलूँगा आपसे अगले नेक्स्ट किसी ऐसी खतरनाक सी शानदार सी वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।